सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हुआ है, सीन क्या हुआ है? ये वीडियो बनाने का सीन ये है भाई कि भाई मैं आ रहा था लेह लद्दाख से, लद्दाख करके वापस घर को। तो बॉर्डर आता है यहाँ पर, भाई बॉर्डर आता है दिल्ली और हरियाणा का, बॉर्डर आता है NH1 पे, तो जहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहा है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, रात के बज रहे थे कुछ 10 या 11 के आसपास, ऑलमोस्ट यानी 12 बज चुके थे, रात के अंधेरा था और आसपास कोई भी नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मेरी बाइक हो गई बंद और सेल्फ ले रहा हूँ, सेल्फ ले नहीं रही, एकदम बंद होगी। उस वहाँ की मैंने यानी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बिकॉज मैं थोड़ा जल्दी में था। तो भाई सेल्फ मार रहा हूँ, नहीं हो रही भाई, कुछ भी नहीं करा। तो फिर मैंने भाई दीपांशु को कॉल करा फटाफट से, पूछा भाई ये दिक्कत आ रही है। तो फिर उसने सीधा सा सिंपल सा जवाब दिया कि भाई बाइक को गियर में डालो और धक्का मार के स्टार्ट करो। तो कोशिश करी 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 मैंने बाइक को कैसे ना कैसे स्टार्ट हो गई, गियर में डाल के बाइक स्टार्ट हो गई और उसको बिना बंद करे घर तक लेकर आ गया मैं और आकर छोड़ दिया। सबसे पहला जो डाउट लगा कि मेरे को कि बैटरी चेंज करानी, क्योंकि जब से मैंने बाइक ली है बैटरी चेंज नहीं हुई है, इसको इसकी बैटरी को यानी 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, तो भाई बैटरी चेंज मैंने करवाई नहीं थी। तो बैटरी मेरे को डाउट लगा, तो आपको सबसे पहले नीचे चल के आपको बाइक दिखाते, तो चलिए मिलते हैं सीधा बाइक पे। तो भाई ये खड़ी अपनी बाइक और दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आई थी इसके अंदर में। ये मैंने चाबी ऑन करी, देखो डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है, ABS कैन कम्युनिकेट फेलियर। मैंने ऑन करा और ऑन होते ये बंद हो गई, फिर दोबारा आ गई, तो ये दिक्कत आ रही है। तो इसकी बैटरी निकालते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई ये बैटरी निकली है बाइक के अंदर से, पहली बार खोली मैंने एमरोन सील मेंटेनेंस फ्री बैटरी। तो भाई बैटरी तो काफ़ी हैवी लग रही है, एमरोन की बैटरी मैंने चेक करी थी। अब बाकी चेक करते हैं मेरे को कौन सी डलवानी है, बाकी देखते हैं जो बेस्ट लगा मेरे को, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन जो भी होगा वो डलवाते हैं। तो भाई बैटरी अपन ले आए हैं एक्साइड एक्सप्लोर और इसकी 2 साल की गारंटी है और 2 साल की वारंटी है। तो भाई ये बैटरी है, तो निकालते हैं इसको, बस इसके अंदर और कुछ नहीं। तो भाई बैटरी हमारी फिट हो गई है। तो भाई सबसे पहले आपको पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है और उसके बाद नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव पहले लगा दिया तो आपकी बैटरी फूक सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इसको लगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं बाइक को कि बाइक स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो भाई बैटरी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है और पॉजिटिव टर्मिनल मैंने पहले लगाया और उसके बाद लगाया मैंने नेगेटिव। तो भाई चार्जर के भी पॉइंट मैंने जोड़ दिए हैं, तो भाई बैटरी इंस्टॉल हो गई अपनी नई। तो भाई अब चाबी लगाते हैं और देखते हैं कि बाइक ये हुई ऑन, ये क्या है, हो गया, ओ वाओ, अब एकदम ओके। और सेल्फ लेते हैं, अब सेल्फ मारते हैं। बाइक स्टार्ट हो गई और बहुत दिनों बाद हुई है, ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हैं इसको खड़े हुए, जब से लद्दाख से आए तब से खड़ी ही है। तो भाई इसको थोड़ा वार्म अप करते हैं, गर्म करते हैं और फिर सर्विस सेंटर ले जाते हैं, थोड़ा चेकअप वगैरह कराएंगे इसका। तो भाई ये सीन था कुछ कि मैंने बैटरी मंगवाई और बैटरी एक्सचेंज करी और एक्सचेंज होते ही भाई बाइक एकदम ओके हो गई है। तो बाइक ठीक हो गई है, बाइक स्टार्ट हो गई है काफ़ी टाइम बाद और बाइक काफ़ी टाइम तक खड़ी भी रही थी। तो भाई बैटरी एक्सचेंज करी थी तो बैटरी की प्रॉब्लम थी। तो मेरा सीधा सा सजेशन यही होगा ताकि आप कहीं फंस ना जाओ, इसकी बैटरी 2 साल के बाद चेंज करवा दो, क्योंकि इसकी जो बैटरी की
लाइफ है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं है, 2 से 2.5 साल मैक्सिमम रखो, अदरवाइज बैटरी चेंज करा दो। नहीं तो आपको कोल्डेस्ट जगह पर आपको स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। मेरे को भी आई थी, मेरे को पता नहीं चल रहा था एक्चुअल में वो बैटरी की प्रॉब्लम थी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये बाइक कर रही थी। सर्दियों वाली जगह पे जैसे कहीं मैं हाई हिल्स वगैरह पे स्पीति या फिर कुछ बर्फ़ वाली जगह पर विंटर्स में जाता था तो भाई बाइक स्टार्ट नहीं होती थी। तो भाई बाइक स्टार्ट इसी वजह से नहीं होती थी, भाई बैटरी में पावर ही नहीं थी बाइक को स्टार्ट करने की। तो अब शायद से अब विंटर्स आ गए हैं तो भाई अब चल के देखते हैं कहीं बर्फ़ वाली जगह पे और इसको स्टार्ट करके देखेंगे। देखते हैं कि अगर ये स्टार्ट होती है तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि बैटरी की प्रॉब्लम थी। तो आप बैटरी टाइमली चेंज करा लोगे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्टार्टिंग से रिलेटेड। तो गाइज ये छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब मार देना। और अगर आपने लेह लद्दाख वाली वीडियो नहीं देखी है, लेह लद्दाख सीरीज मेरी नहीं देखी है तो भाई आपने कुछ नहीं देखा, बहुत मेहनत करी थी भाई एडिटिंग में। तो भाई ज़रूर से ज़रूर एक बारी देखना, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आई बटन में आपको लिंक आ रहा होगा तो भाई चेकआउट कर लेना लद्दाख सीरीज पूरी। अगर मजा आना है तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, मैं ये कह रहा हूँ। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।